दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है हर किसी क्रिएटर के लिए, हर किसी यूट्यूबर के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ कंटेंट के बारे में, ऐसा कुछ टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिस टॉपिक में आपको कभी भी वीडियो नहीं बनाना है। अगर आप इन टॉपिक में वीडियो बनाते हो तो कभी भी आपके चैनल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। किसी भी एक वीडियो की वजह से आपकी पूरा चैनल यूट्यूब टर्मिनेट कर सकता है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा। सबसे पहली जो टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो दोस्तों हैकिंग रिलेटेड कंटेंट। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी भी हैकिंग रिलेटेड टॉपिक में वीडियो बनाओगे, जैसे किसी की फोन कॉल कैसे हैक कर सकते हो, दूसरों की जो व्हाट्सअप स्टेटस है वो आप किस तरीके से देख सकते हो, और दूसरों की मोबाइल में आप किस तरीके से हैक कर सकते हो, तो ये सब चीज़ में आप वीडियो कभी मत बनाओ। आपके चैनल में अगर ऐसा कोई वीडियो है तो उसे आप डिलीट कर दो, क्योंकि यूट्यूब की नज़र में अगर आएगा ना तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है। बहुत सारे चैनल के साथ ये सब हो रहा है, तो ये आप कभी भी मत करो, ये यूट्यूब में इलीगल है और बहुत ज्यादा एक्शन भी इस पे यूट्यूब आप ले रहा है। दूसरा जिस टॉपिक में बात करूंगा वो दोस्तों कॉपीराइटेड वीडियो। ऐसे बहुत सारा लोग है जो फेस कैम वीडियो नहीं बना सकते, कैमरा को फेस करने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, वो क्या करते हैं दूसरे किसी क्रिएटर की वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और वहां से कुछ काट कर लेते हैं, छोटा छोटा टॉपिक वहां से ले लेते हैं और उसे फेयर यूज पॉलिसी के अंदर मान के अपना जोड़ के इधर उधर जोड़ के वीडियो बना देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिनकी भी वीडियो के पार्ट यहाँ पे यूज करते हो ना, उनको पता चलता है कि आपने उनकी यहाँ से यहाँ तक वीडियो यूज किया है। वो क्रिएटर आपको सामने से स्ट्राइक नहीं देते, कॉपीराइट क्लेम नहीं देते, क्योंकि वो भी एक क्रिएटर है और आपकी जो इमोशन है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो समझते हैं, इसीलिए वो आपको स्ट्राइक नहीं देते। लेकिन दोस्तों ऐसा भी अगर कोई क्रिएटर चाहे कि उन्होंने सामने वालों ने मेरा जो टॉपिक है उसे यूज किया है, मैं उसे स्ट्राइक दूँ, तो यहाँ पे दे सकता है। तो इससे दोस्तों आगे जाके आपके चैनल से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, रिस्क यहाँ पे रह जाता है। तो आप अगर जेन्युइन तरीके से बिल्कुल टेंशन फ्री काम करना चाहते हो तो आप कभी भी किसी का कॉपीराइट वीडियो ना बनाओ, वही बेटर है। जेन्युइन आप खुद का वीडियो बनाओ, आपके वीडियो में सब कुछ खुद का यूज करो तो ही बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे थर्ड जिस टॉपिक में बात करूंगा वो 18+ कंटेंट। बहुत सारे नए नए क्रिएटर 2 या 3 महीने काम करने के बाद जब उनकी वीडियो में व्यूज नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, वो लोग सोचते कि इस तरीके से कंटेंट बनाओ तो बहुत ज्यादा व्यूज सब्सक्राइबर यहाँ पे आ सकता है। और दोस्तों ऐसा कंटेंट में बहुत सारा व्यूज यहाँ पे भर भर के होता भी है, लोग थंबनेल के चक्कर में यहाँ पे क्लिक भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो, आगे जाके बड़ा क्रिएटर बनना चाहते हो तो ये सब चीज मत करो, और ये सोसाइटी में बहुत नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे फैलता है और ये अच्छा भी नहीं है। यूट्यूब अगर इसको पकड़ता है ना तो आपके चैनल को यहाँ पे टर्मिनेट भी कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे चौथा जिस टॉपिक की बात करूंगा वो दोस्तों क्रैकिंग और मूड एपिक। यहाँ पे दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर में सब बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा जो दोस्तों पेड है, यानी आप अगर उन्हें यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग इनमें वीडियो बनाते हैं, तो जो पेड वर्जन है उसे आप किस तरीके से फ्री में यूज कर सकते हो, जैसे काइनमास्टर हो गया, ये तो प्रीमियम वर्जन अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी वीडियो बनाया कि काइनमास्टर जो प्रीमियम वर्जन है उसे आप किस तरीके से फ्री में यूज कर सकते हो। ऐसे आप किसी भी चीज दिखाते हो जो यहाँ पे पेड है और यहाँ पे आप किसी गलत लिंक दिखाते हो, एपी के मोड दिखाते हो कि वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप इसकी जो क्रैक वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐसा वीडियो आप मत बनाओ, कभी भी आपके चैनल में स्ट्राइक आ सकता है। बहुत लोग बनाते हैं जिन्होंने बनाया है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट हूँ उनका भाई वो वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि आपका इतना मेहनत है कभी भी बर्बाद हो सकता है। और यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो दोस्तों पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। मानो आप आधार कार्ड कैसे फिल करें या फिर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करें वो आप यहाँ पे वीडियो बनाकर दिखाते हो, आपके ऐसा ट्यूटोरियल बनाते हो। यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल कुछ चीज दिखाते हो और अगर वो कभी भी आपकी वीडियो के ऊपर रिपोर्ट कर देना तो यहाँ पे YouTube जो है वो आपकी वीडियो में एक्शन ले सकते हैं, आपकी जो वीडियो को टेक डाउन कर सकता है और इससे आपको स्ट्राइक भी मिल सकता है, आपकी चैनल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये जो सारे चीज़ों के बारे में बताया मैंने, कुछ चीज़ बताया, ये चीज़ हमें अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो ऐसा आप कभी मत करो, कभी भी आपके चैनल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो भी करो प्योर करो, आपने खुद का कंटेंट डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात, जो भी रूल्स रेगुलेशन है YouTube की, जो भी गाइडलाइंस आता है उसे आप अच्छी तरीके से देखो। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं कि YouTube की जो जब गाइडलाइंस आता है, नए नए अपडेट्स आता है, वो अच्छी तरीके से देखते ही नहीं है वीडियो और इसके बाद कुछ भी वीडियो बना देते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और बड़े बड़े क्रिएटर जो भी वीडियो बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होता है। सिर्फ बड़े नहीं, छोटा क्रिएटर भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो जो लोग नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो को आप
पूरा देखो समझो, इसके बाद अगर आप यहाँ पे काम करोगे और दोस्तों इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आगे जाके आपका जो चैनल है वो सेफ भी रहेगा और यहाँ पे धीरे धीरे आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।